Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, नया साल चालू होके almost क्यों exact 24 days हो चुके हैं. This is 24th of January 2023 और finally बहुत wait के बाद अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब मैं कुछ सालों से सोच रहा था ये करने की, फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि 2023 में इसको पूरा करना ही है, इस काम को. सो फाइनली आज काम शुरू हो गया है. और ऑब्वियसली इसमें सरप्राइज कुछ नहीं है ना, आपने ऑलरेडी टाइटल में देखा है क्या है. सो आई एम बिल्डिंग माई डैटसन इंटू कैंपर वैन. कैंपर वैन मतलब फुल फ्लेज जो कैंपिंग ट्रक वगैरह होता है, वैसा तो कुछ इसमें बन नहीं सकता टॉयलेट वॉयलेट के साथ. सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज बेसिकली एक रूफटॉप टेंट जो ऑलरेडी लग चुका है, और दूसरी चीज उसके अंदर पूरा किचन का सेटअप जिसका काम अभी चालू है. यू सी यहाँ पे सब प्लाई वगैरह का कटिंग चल रहा है, एंड देन हियर यू गो. ये टेंट ऑलरेडी लग चुका है, अभी ये खोलने के बाद कैसे दिखता है ये आपने शायद इससे पहले वीडियो में देखा होगा अगर मैंने डाला है तो, इफ नॉट इसके बाद खोल के दिखा दूंगा. और यहाँ पे बनेगा अपना किचन, और ये है अपने हरिराम मिस्त्री जी, द मोस्ट ट्रस्टेड गाय फॉर दिस. मतलब कारपेंट्री का कोई भी काम रहे, इनको छोड़ के और कहीं मैं जाता नहीं हूँ. अभी ये अपने लिए किचन बना रहे. सो सुबह से अभी तक हमारा डिस्कशन ही चल रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, डिजाइन कैसे होगा इसका. फाइनली वी हैव रीच्ड अ कंक्लूजन, दोनों एक पॉइंट पे आ गए कि ओके इस तरह से बनाएंगे तो सही बनेगा. तो वो कैसे बनेगा, क्या क्या बनेगा, वो सब आपको इस वीडियो में आगे दिखेगा. फिलहाल प्रियंका को बुलाने वाला हूं मैं, क्योंकि आफ्टर ऑल किचन क्वीन तो वो है ना, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि क्या बन रहा है. तो उसको बुला के भी पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं. मैडम बोला तुम्हाला किचन कसं पाहिजे, हे काय केलंय ते मिस्त्रीला माहित काय केलंय. ओके, सो बेसिकली तिकडे नाही उभारायचं, ह्या साईडला ये. ओके, सो इसमें तीन टोटल ड्रॉर्स बनेंगे. ये इतना बड़ा ड्रॉर रहेगा एक जो इधर खुलेगा, और फिर यहाँ पे दो ड्रॉर्स बनेंगे, एक आधा और उसके नीचे आधा. बट ये एक ड्रॉर खुलेगा, उसके बाद यहां से आगे दूसरा ड्रॉर खुलेगा. वो कैसे खुलेगा वो बनने के बाद ही आपको पता चलेगा. और जो सबसे बाहर वाला ड्रॉर है उसमें अपना बर्नर आएगा, ऊपर वाले में सामान, इसमें सामान, और इसके ऊपर फिर दो प्लेटफॉर्म्स बनेंगे जो बाहर एक्सटेंड होंगे. समझ लो क्या समझ लो, सांग बाबू तुझे सांगितलं ते समजलं. मग आता तू इमेजिन करते की मला कुठे उभं राहून जेवण बनवायचं, तिथेच कुठे कुठे जाऊन बसून पण बनवू शकतेस, कारण नाही बाहेर कशाला काढते बरी आहेस ना तू. हा बर्नर आहे ना, हे बघ या लेवलला बर्नर तुझा इथे येणार, इथे हा स्टूलवर बसून जेवण बनवता येईल तुला. बघ बायकोची किती काळजी करतो मी, उभं राहून नको जेवण बनवायला लागायला, नाही तर ते मला बनवावं लागेल पाय दुखले की. सो थोडा थोडा अभी शेप ले रहा है, बट कल शाम तक मेरे ख्याल से इसमें अच्छा खासा आपको पता चल जाएगा कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है. तो जैसे जैसे बन रहा है एक एक स्टेप, एक एक अभी ड्रॉर्स रेडी करेंगे, उसके बाद फिर इसको लगा के देखेंगे चैनल्स वगैरह पे सब सही चल रहा है कि नहीं. जैसे जैसे हो रहा है इसी वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है. ऑलराइट, इट्स द एंड ऑफ डे वन. शाम को अभी 6 बज रहे हैं और मिस्त्री जी एक ही दिन में थक गए हैं पूरे, बिकॉज आधा दिन तो दिमाग खराब हो रहा था कैसे बनाना है उसमें. बट फाइनली अपना बॉक्स रेडी है, तीनों ड्रॉर्स रेडी है. जैसा आपने देखा, किधर गया ये कौन सा ड्रॉर है, अरे हाँ ये ड्रॉर अपना बर्नर वाला है,
ये उसके ऊपर बैठेगा और ये वाला दूसरे साइड में जो बड़ा सामान रखने वाला ड्रॉअर। सब सेट कल सुबह ड्रॉअर्स को इंस्टॉल करके चला के देखेंगे और फिर सब फाइनल किया जाएगा, पेंटिंग वगैरह होगा इसका। सो होपफुली कल शाम तक सब काम खत्म हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाट मिस्त्री इज सेइंग। हो जाएगा ना कल शाम तक? देखो अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो परसों करेंगे। ओके एनीवेज अभी इसको बंद करेंगे, मिलेंगे कल सुबह। गुड मॉर्निंग, इट्स 25th of January 2023, सेकेंड डे ऑफ आर कैंपिंग वैन किचन सेटअप बिल्डिंग। जैसा मैंने बताया था आपको, कल अपने दोनों बॉक्स और उसके अंदर तीनों ड्रॉअर सेट हो चुके थे। बाय द वे इट्स ऑलरेडी 11, ऑलमोस्ट 11 इन द मॉर्निंग। लेट हो चुका है मुझे क्योंकि 10 बजे ईवा का स्कूल था, तो उसको स्कूल में छोड़ के वापस आने के बाद मैं ये शूट कर रहा हूँ। बट मिस्त्री जी ने ऑलरेडी 9:30 बजे काम चालू कर दिया है एंड ही हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 2 ऑफ दोज ड्रॉअर्स। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। इसमें अपने सब मसाले वसाले रखने वाले है। अरे खींच, हाँ ये दोनों ड्रॉअर्स बाहर आ गए, बैठ गया। फिर इसमें से ये ड्रॉअर बाहर आएगा, इसमें अपना बर्नर आएगा। सो अपना बर्नर एक्चुअल में कार से इतनी दूर आने वाला है। सो दिस इज हाउ द सेटअप इज। फिर इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म आएगा जो इस तरफ स्लाइड होगा काम करने के लिए, और फिर दूसरी साइड में जो बड़ा ड्रॉअर है उसका भी काम चल रहा है। एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस एज ऑफ नाउ। सब कुछ अच्छा बन के आ रहा है, कंप्लीट होगा तब पता चलेगा। वैसे मैं अभी ट्राई करने के लिए कलर भी लेके आया हूँ, स्प्रे पेंट जो होता है ग्लॉसी ब्लैक। देखेंगे वो इस पे रुकता है नहीं रुकता है, अगर अच्छा दिखता है तो ठीक, नहीं तो फिर प्राइमर लगा के अपना कन्वेंशनल ऑयल पेंट लगाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑलमोस्ट 1 बजने को है एंड अभी तीनों ड्रॉअर्स का फाइनल फिटिंग चल रहा है। फ्रंट्स लग गए तीनों के। हो गया मेजरमेंट सही? मेजरमेंट हो गया सब सही? अभी और ग्रुप बनाना है माझ्यासाठी काम झालंय, यांचं नक्षी काम चालू आहे आता, बाकी काय नाही। अभी उसमें कुछ डेकोरेशन करेंगे, इधर से ग्रुप बनाएंगे उधर से ग्रुप बनाएंगे, पता नहीं अभी क्या करने वाले। अपना काम है सिर्फ देखते बैठो, ये खत्म होने के बाद फिर अपना काम चालू होगा। पहला काम अपना रहता है डिजाइन करने का और फिर आखिर में अपना काम रहता है फिनिशिंग। तब तक सिर्फ देखते रहो, एक बार इनके दिमाग में डिजाइन बैठ गया फिर काम करते रहेंगे। ये देखो आज का दिन बहुत ही बेकार, बहुत ही बकवास गया। बेसिकली दोपहर को लंच के बाद मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाया कुछ भी, बिकॉज काम तो चल रहा था नीचे बट मैं टोटली भाग रहा था इधर से उधर, एंड दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ जस्ट वन बोल्ट। सो हुआ ये कि ऑलमोस्ट अपना सब काम कंप्लीट होने वाला था, सारे ड्रॉअर्स बिठा के कंप्लीट हो गए, उसके ऊपर जो स्लाइडर्स बिठाने थे वो भी बिठा के कंप्लीट हो गया, बट जो बॉक्स पूरा गाड़ी में फिट करना है उसके लिए जो माउंटिंग चाहिए था वो माउंटिंग ब्रैकेट्स पहले तो मिल नहीं रहे थे। फिर माउंटिंग ब्रैकेट्स मिले, उसके बाद उसमें जो बोल्ट बैठना था वो बोल्ट बैठ नहीं रहा था। मतलब फॉर सम स्ट्रेंज रीजन डैटसन का जो ओरिजिनल बोल्ट आया हुआ है जिसपे सीट लगी थी उसमें वॉशर जो है वो बिल्ट इन है, वो वॉशर बाहर नहीं निकलता। वैसा बोल्ट मैंने पहली बार देखा है जिंदगी में, तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो बोल्ट ऐसे फिक्स रहेगा। मैं वो बोल्ट लेके इधर उधर घूम रहा हूँ, उस हिसाब से वो ब्रैकेट में होल मार के लिए सब करके लिया और इधर आने के बाद देखता हूँ कि बोल्ट वॉशर बाहर नहीं निकल रहा है। तो अभी वो बोल्ट वैसे तो बैठ नहीं सकता विथ वॉशर, तो अभी या तो बोल्ट दूसरे ढूंढने पड़ेंगे या फिर वॉशर कट करके लाना पड़ेगा। तो सब करने के बावजूद आज काम कंप्लीट हो नहीं पाया और दोपहर से अभी तक पिछले 4 घंटे में मैं कम से कम 4 या 5 बार मार्केट में जाके आया हूँ। तो उसी के पीछे दौड़ रहा था तो फोन हाथ में लेना ही भूल गया। तो आपने दोपहर में लंच के टाइम पे जो देखा था उससे इम्प्रूवमेंट बस ये हुआ है, आगे एडवांसमेंट, कि आई थिंक तीनों ड्रॉअर्स के फ्रंट्स लग के कंप्लीट हो गए, उसका पूरा फिनिशिंग ग्रूव्स वगैरह सब रेडी है। उसके ऊपर जो स्लाइडर 2 प्लेटफॉर्म बोर्ड लगने थे वो भी लग के हो गए। अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि प्लेटफॉर्म नीचे पार्किंग में रखा है वो बॉक्स पूरा, और मैं ऊपर घर में आ गया हूँ अभी। तो अभी कल के दिन मतलब 26 जनवरी को काम बंद रहेगा या फिर दोपहर के बाद काम होगा। तो जब अभी नेक्स्ट काम शुरू करेंगे
तभी आपको दिखाऊंगा कि आज कहां तक काम पहुंचा है। बाकी आज दोपहर से शाम तक एक बोल्ट ने इतना थकाया है मुझको, मतलब जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई वॉज लिटरली स्क्रूड, वो स्क्रू ने हालत खराब कर दी मेरी। बहुत 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 गंदा एक्सपीरियंस था आज का, बट क्या करे, DIY प्रोजेक्ट्स में ये सब होता रहता है। मिलते हैं कल सुबह, कल दोपहर को या फिर परसों सुबह, पता नहीं कब होगा काम यार। बस अभी सोना है मुझे थोड़ी देर। ये है वो बोल्ट, इसकी वजह से पूरा आधा दिन मेरा वेस्ट हुआ है। इसमें से ये वॉशर है ना, ये बाहर ही नहीं निकलता और मुझे विदाउट वॉशर बिठाना था, सो ये अड़ गया काम। लेकिन कल के दिन मतलब 26 जनवरी छुट्टी कर दी थी काम की, हमें भी एक फंक्शन अटेंड करना था। तो आज है 27 जनवरी और आज अपना काम आगे चल चुका है, बिकॉज कल के दिन में मैंने बहुत कुछ सोचा और काम बदल दिया थोड़ा सा। सो बेसिकली नाउ वी हैव एडेड 2 more speakers नेक्स्ट टू द बॉक्स, जो अपना किचन का बॉक्स बन रहा है इसके साइड में। सो बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड में एक एक स्पीकर आएगा। वो स्पीकर मैं कल लेके आया हूँ आते वक्त, और वो स्पीकर का जो बॉक्स बनेगा वही बॉक्स इसको पकड़ के जगह पे रख देगा। सो अभी वो एंगल, वो बोल्ट, सारा टेंशन खत्म, और गाड़ी का साउंड भी अच्छा होगा क्योंकि JBL के स्पीकर्स आ चुके हैं अपने, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अभी और अच्छा बनेगा। होपफुली टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस बिल्ड, आज शाम तक इसको खत्म करना है कैसे भी करके, क्योंकि फिर कल परसों मतलब सैटरडे संडे हम लोग भी बिजी रहेंगे तो काम कर नहीं पाएंगे, मिस्त्री को भी दूसरा काम चालू करना है। सो आज शाम तक इसको कैसे भी करके खत्म करना है। ऑलमोस्ट सब आ गया अभी जगह पे, ये स्पीकर का बॉक्स ऐसे बैठेगा, पूरा शेप निकाल दिया है, सेम ऑन द अदर साइड। इसके ऊपर टॉप लगेगा, उस टॉप में स्पीकर बैठेगा, और फिर इसी स्पीकर के बॉक्स में ये वाला बॉक्स बोल्टिंग होगा। सो ऐसा कुछ जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जब पूरा बनेगा ना तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट 3:30 इन द इवनिंग और फाइनली काम पकड़ में आ चुका है, इट्स ऑलमोस्ट डन। ये कुछ ऐसे बन के आया है अभी, एवरीथिंग इज सेट। जो मैंने बताया था ये साउंड बॉक्स, इसमें भी मैंने, अगर आपको दिख रहा है, इस तरह से प्लग्स लगा दिए हैं, सो दैट ये भी निकालना आसान रहे, बिकॉज अभी जब भी इसको बाहर निकालना है तो सबसे पहले ये स्पीकर निकलेगा बाहर, उसके बाद यहाँ पे जो बोल्ट्स है ये बोल्ट्स खोलेंगे, फिर ये बॉक्स बाहर निकलेगा, उसके बाद जो नीचे सीट के बोल्ट्स लगे हैं वो वाले वो निकलेंगे, और फिर ये साउंड बॉक्स बाहर निकलेगा। सो इस तरह से ये पूरा सेटअप है, पूरा फोल्डिंग, मतलब जब चाहो इसको वापस में 7-सीटर बना सकता हूँ। एक साइड का बॉक्स फिक्स हो चुका है, साउंड बॉक्स, लुक एट दिस, अभी दूसरे साइड का लगाएंगे एंड देन इट्स ऑलमोस्ट डन। ड्रॉर्स का भी पूरा काम हो गया है, और ये एक जुगाड़ आपको दिखाना था, इसको थोड़ा सा फिनिशिंग करना बाकी है, बट दिस इज फॉर द वाटर डिस्पेंसर, ये वाला अमेजोन से मंगाया था मैंने 400 रुपए का, ये इसमें ऐसे बैठेगा बस रे, हाँ ये बैठ गया। इसको नीचे से पाइप लगेगा, पाइप जाएगा उस जार में जिसमें पानी भरा रहेगा, बटन दबाते ही पानी बाहर, और ये जार नीचे इस तरह से इसको स्टूल बना दिया है ताकि पानी इधर उधर ना हिले, नीचे से लेवल, और ये बराबर ये बॉक्स और सीट के बैक के बीच में दब जाता है, सो ये किसी भी तरफ हिलने वाला नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल सेट आफ्टर 3 days, लग रहा है कि ये काम कंप्लीट हो रहा है अभी। सो फाइनली सारा काम खत्म हो चुका है, इट इज परफेक्टली डन, बहुत बहुत बढ़िया बन के आया है, एंड इफ यू कैन सी आई एम ऑलरेडी आउटडोर्स, क्योंकि शाम को ईवा स्कूल से आने के बाद पीछे पड़ गई कि कुछ तो इसको ट्राई करना है अभी। सो वी आर ऑलरेडी ऑन आवर फर्स्ट कैंपिंग ट्रिप नहीं है, सिर्फ ट्रायल लेने के लिए आई है कि कहाँ से बज रहा है, अगर कुछ पैकिंग डालना है, मॉडिफिकेशन करना है, कहीं से फिट नहीं हो रहा है वगैरह, वो सब देखने के लिए। सो जस्ट 5-7 kilometers, लेकिन फिर भी अगर घर से निकलना है तो कोई अच्छे लोकेशन पे आना है ना। लुक एट दिस ब्यूटिफुल प्लेस बिहाइंड मी,
इसका वीडियो है अपने चैनल पे विद ऑल द ड्रोन शॉट्स एंड एवरीथिंग सिनेमैटिक पूरा वाइब्स के साथ, यू कैन चेक इट ऑन द लिंक फ्रॉम हियर। अभी के लिए यहाँ पे पास्ता बन रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस किचन सेटअप। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, बहुत सही लग रहा है। कैसा लगता है तुला? By the way, this thing has already gained us 2 followers on Instagram and probably on YouTube also. यही पे मिले थे, वो देखने के बाद इतना इम्प्रेस हो गए कि सब्सक्राइब करके चले गए। बट अगेन, इसके बारे में और थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, वो ट्विस्ट आपको या तो Instagram में पता चलेगा या फिर अगले वीडियो में वगैरह पता चलेगा या फिर पता नहीं कब पता चलेगा, लेकिन है एक ट्विस्ट। शायद ऑलरेडी पता चल चुका होगा बिकॉज ये वीडियो में कब डालूंगा ये भी पता नहीं है। सो एज ऑफ नाउ दिस इज अ सक्सेसफुल थिंग। सबसे छोटा कैंपिंग किचन सेटअप मैं इसको बोल सकता हूं। दिस इज 28 inches, दिस इज 18 inches और डेप्थ इसकी टोटल है 21 inches, जिसमें से 10 inch नीचे से ब्लैंक है क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी का ड्रॉअर खुलने के नीचे वाली जो जगह है उसमें अभी यूटेंसिल्स वगैरह के लिए सब स्टोरेज बन गया ये नीचे की जगह, और उसके ऊपर ये ऑलमोस्ट 10 से 11 इंच के आसपास ये ड्रॉअर्स है, मतलब टोटल 21 inches, 28 inches, 18 inches, इतनी सी जगह में पूरा का पूरा किचन सेटअप हो चुका है, इंक्लूडिंग दिस वाटर डिस्पेंसर। इसको पाइप अभी फिलहाल तो वो जार में पानी नहीं है तो मैंने ये बॉटल में डाला है बिकॉज यू वांटेड टू सी कि ये कैसे काम करता है। सो फाइनली दिस कैंपिंग सेटअप इज कंप्लीट। अभी और जो काम बाकी है, इसका पेंटिंग बाकी है और गाड़ी पे कुछ आर्टवर्क पेंटिंग वगैरह करना बाकी है, वो सारी चीजें आई डोंट नो इफ आई विल कंटिन्यू इन दिस व्लॉग और द नेक्स्ट वन, और इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा व्हाटएवर इट इज, लेकिन इसका जो भी काम करूंगा गाड़ी का वो आपको दिखाऊंगा जरूर। फिलहाल आज का दिन यही पे खत्म, अभी खाएंगे पास्ता।